महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और गुरुवार को रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 18 मार्च को पिछले 24 घंटे में 25,833 नए मामले सामने आए, जो अब तक एक दिन में आए कोविड 19 के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही मुंबई में भी अब तक के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में कोरोना के 2,877 मरीज सामने आए हैं। 11 सितंबर को आए थे 24,886 नए मामले। महाराष्ट्र में इससे पहले कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले पिछले साल 11 सितंबर को दर्ज किए गए थे और 24,886 नए मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई में इससे पहले सबसे ज्यादा 2,848 कोरोना केस 7 अक्टूबर 2020 को दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस से 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसे कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत बताया है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में केंद्रीय टीम के दौरे के बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था। केंद्रीय टीम ने बताया था कि महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है और संक्रमण रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया था कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग, अलग अलग मामलों और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।